बच्चों, ये कमिटमेंट वाले डायलॉग्स, ये एहसान वाले डायलॉग्स बाद में जाके बहुत पेन देते हैं। वाल्मीकि जी के सामने हीरो तुम्हें बन गया, पर जब होश आया तो मेरी सारी लिखी कहानियां गायब, वैनिश्ड इन द बॉटम ऑफ द सी। अब राम कथा तो वाल्मीकि जी ने लिख दी, पर मेरी कथा का क्या? हटा सावन की घटा, व्हाट अबाउट माय कथा? कहानी जिसमें था एक्शन, सस्पेंस, इमोशन, वॉर, बस एक ही चीज नहीं थी, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं ना। और वो कहानी के कैसे बना ये भोला भाला बजरंगी हनुमान ददम दा। महाराज, मैं खुद मारुति को देख के आता हूं। और हां, गरुड़ के वीआईपी ख्याल की चिंता मत करिए, उसके लिए मैं हूं ना। ये सचमुच धरती का सबसे महान जीवित इंसान। बेटी, अब चुपने का नहीं, हमको भी तुम्हारे लिए बेस्ट आदमी का तलाश था। I told you so, कि तुम्हारे इस गरुड़ भाई में कुछ गड़बड़ है जरूर। अरे बोलू, कोई इतनी जल्दी तब बेस्ट फ्रेंड बनता है क्या? But you thought I was jealous? I? वो भी इस चीपड़ से? हाँ, तुम सही हो, पूरी दुनिया सही है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ, मैं ही नहीं समझा। उफ, ये सही होने का दर्द। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Enter the real hero. Let me out. बेवकूफ पक्षी, तुमने हनुमान का विश्वास क्यों तोड़ा? ये सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब चचा, आप ही का प्लान था ये, अब मुझसे पूछ रहे हो आप, मैं तो मजबूर था। अरे मेरा प्लान तो ये था कि तुम उसका पूरा विश्वास जीत लेते और फिर हम उसे अमृत लेने के लिए देवलोक भेजे। अमृत लेने? गलत है। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं हनुमान को आपके हवाले करूंगा और उसके बदले में आप मेरी माँ मुझे लौटा देंगे। मुझे नहीं पता था कि आप इतना खतरनाक काम उस बच्चे से करवाओगे। गलत है सर जी, ये सब गलत है। गलत है? अकल से काम लिया जाए तो बड़े बड़े बहादुर भी काम पे लग जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा दोस्त। अब वो मेरे लिए काम करेगा। झूठे। अमृत लाएगा वो, और पीऊंगा मैं। अजब दिखा तो। हरिओम। तुम्हारा भाई बहुत मुश्किल में है, उसको तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मेरा कोई भाई भाई नहीं है जी। उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसे अपनी माँ को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। माँ? हाँ। हेलो, उसकी बेचारी माँ सांपों से भरे घेरे में गिर पड़े हैं और उसके शरीर में विष, ही विष है रहा है। अब उसको बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, अमृत, जो देवलोक से बस तुम ला सकते हो। कमान सीधी, चक दे फटे, उड़ा दे गिल्ली, बना दे दुश्मन को भीगी बिल्ली। देखा तुमने मेरा कमाल, पलक झपकते पलट दी चाल। सीटी, तू है वाकई कमाल, अब फटाफट चाबी निकाल, जल्दी कर बे सीटी।
ओहो, मेरा भाई कहाँ गया? पर मैं अमृत लेने के लिए अपने ऊपर पहुंचूंगा कैसे? हे परमपिता, मेरी मदद करना, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। बेवकूफी को बहादुरी नहीं कहते भाई। हमें देवलोक लेके जाओगी? जगह है मगर बहुत खाली है। रावत, अरे जल्दी आओ, अप्रेजल के टाइम पे लेट मत करो। आज फिर लेट हुए तो इस बार भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, समझे? ऐसे भी फालतू की जॉब है हमारी, डेजिग्नेशन लीडर का, और काम कार्ड की तरह राउंड लगा। वैसे भी कौन आ पाता है आजकल स्वर्ग, बोर हो गया हूं मैं। रावत, प्रकट हो रहे हो तुम। बादलों में से एंट्री मारी है, आओ चलो तुम्हारी सवारी। अरे ये हाथी तो हाथ में ही आ गया। चलो ये अच्छा है, इस स्वर्ग में सब कुछ नरम नरम है। अब कहाँ हो तुम रावत? हेलो जी, आप यहाँ काम करते हैं? मैं अमृत ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? ओ भगवान, ये बंदर का बच्चा यहाँ कैसे आ गया? ये तो मुझे स्वर्गवासी बना के छोड़ेगा। स्वर्गवासी? पर हम तो ऑलरेडी स्वर्ग में वास करते हैं, मतलब कि हम नेवर माइंड, ये फिर मुझे तंग करने आया है। फिर से? मैं तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ जी। फर्स्ट टाइम? अच्छा, ले अब ये कौन सा नाटक है? याद नहीं, पिछली बार सूरज को निगलने चला था, सूर्य देव को। ये तो अच्छा हुआ मेरे वज्र ने तेरे हनु को जकड़ लिया, तो सब ठीक हुआ। बेकार में राहु केतु इन्वॉल्व हो गए थे और मेरी इज्जत तो गई ना, मतलब नीचे डाउन। अब अमृत चाहिए तुझे। अमृत? क्यों पीछे पड़ा मेरे यार? इंद्र हूं मैं, यू नो माय नेम इंद्र, देवराज इंद्र। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दे, इस बार कुछ कांड हो गया ना तो प्रमोशन तो छोड़ो, मैं नौकरी भी जाएगी मेरी। उत्तर की इसका मतलब अम्मा वाली कहानी सच थी, पर मैं तो अमृत लेके ही जाऊंगा जी। रेड अलर्ट डाल दो। कहाँ गया भाई अमृत? तो मुझे अब खुद जाकर चेक करना पड़ेगा इन पर्सन। कौन है? पकड़ लिया। कौन चला गया भाई? कवर वाह बेटा, अपने आप को स्मार्टी पैंट समझता है। बेवकूफी है ये,
भोले भाले मन से मांगो जो दुआएं, पाकर रहेंगे दिल से जो चाहे। जहां ना पहुंचे सुपरमैन, वहां पहुंचे हनुमान। रुक जाओ, राज जल्दी चलो। अमृत छोड़, अमृत छोड़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें तो अपनी माँ के पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन अपने भाई को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकता। ए, संभाल के भाई। अरे रुक जा बंदर के बच्चे, हम इंद्र हैं, देवास। मुझे अमृत दे दे, वरना मैं तेरा स्वर्ग में इंट्रो करा दूंगा। हम तो ऑलरेडी स्वर्ग में हैं। अच्छा, मेरा जोक मेरे को म्याऊ। भाई मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊ होता है ना। ओए, स्वर्ग में जिसका हाथी उसकी भैंस। नेवर माइंड, नाउ गिव। शांत हो जाओ, बात क्या है? लेट्स सी। एक वानर बालक, उसके साथ उसका ये विंगमैन, और उनके हाथों में अमृत, जिसकी रक्षा करना इंद्र का काम है। हाउ इंटरेस्टिंग। अरे इंद्र, याद है ना तुम्हें, अगले हफ्ते तुम्हारी अप्रेजल रिपोर्ट है। सर मैं तो क्या हालत बना रखी है इंद्र, कुछ लेते क्यों नहीं? एनीवे बच्चों, ये अमृत मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। लाओ, गॉड प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं जी। नादान बालक, सर से ऐसे बात करते हैं? अबे सर हैं ये विष्णु भगवान। सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं भाई। फ्लावर, गुड मैच जी। थैंक्स इंद्र। सर इंद्र, इजंट इट डिवाइन, आजकल सब जगह खिला है। हेलो जी, मुझे किसी को बचाना है। मैं जी अमृत वापस नहीं दे पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। मजबूरी के बच्चे। सर एक्चुअली मैं समझा रहा था कि ये अमृत है, कोई कोल्ड ड्रिंक थोड़ी कि प्यास लगी तो स्वर्ग चले आए प्यास बुझाने। इंद्र तुम मेरी बात सुन। सर इंद्र, व्हाट्स इन द नेम? टैलेंट को पहचानना सीखो, अपने लक्ष्य को चुनकर उस तक बिना किसी संशय के पहुंचने का नाम ही तो बहादुरी है। इसलिए तो ये अमृत इसके हाथों में आ गया है। यही है सृष्टि का सबसे बहादुर प्राणी। बहादुरी और बेवकूफी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। They're two sides of the same coin. Sir, coin. और coin जो आप कहें। Boss is always right. और आप तो भगवान हैं, भगवान श्री विष्णु। पर विष्णु जी, वो बहादुरी किस काम की जिससे किसी का भला ना हो? मेरा विश्वास करिए जी, मुझे कुछ समय के लिए अमृत ले जाने दीजिए। इसके बदले मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आभारी? I like. But there are no free lunches. How do we make this a win-win situation? Win-win? Win-win? Win-win. तुम अमृत ले जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? तेरी की, यहाँ भी बिजनेस? चलो वादा करता हूँ, सारी उम्र आपकी सेवा करूँगा जी। सारी उम्र? You mean हमेशा? हमेशा ही मान लीजिए। इंद्र यहाँ खड़े खड़े छींक क्या रहे हो? वो हमेशा वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। अच्छी सर। भाई तू ये सब मेरे लिए कर रहा है? मैं तुझे ये सौदा अकेले नहीं करने दे सकता। फ्रेंडशिप, आई लाइक दैट थॉट। पर तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में? मैं आपकी सवारी बन सकता हूँ। कम से कम इस बहाने इनसे लिफ्ट नहीं लेनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? आर यू सीरियस? एक्सक्यूज मी, पर मेरी सवारी में क्या प्रॉब्लम है सर? सर सर, ये सर 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 करना बंद कर दो, वरना मेरे सर में दर्द हो जाएगा। एंड चेंज इज गुड इंद्र, चेंज इज गुड। क्विक क्विक क्विक, और एक वो हमेशा वाला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। जी सर। मिस्टर विंगमैन, यहां प्लीज जरा साइन कर दीजिए। फैंटास्टिक, ओके डन। टू सम इट अप, आप लोगों के पास 15 मिनट की मोहलत है, इसके बाद देवराज इंद्र
आपसे अमृत छीन लेंगे। Can you shake on it? Enough shaking. Your time starts now. Okay, bye. Tissue. भाई ये विष्णु जी बड़े कूल बंदे हैं। इनकी सेवा में बड़ा मजा आने वाला है। माँ 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 हम आपके लिए अमृत ले आए हैं, आप झट से पी लो। पुत्र, मेरा पुत्र। बहुत मिस किया आपको माँ। जी, आप इसे जल्दी पी लीजिए, आपका सारा विष उतर जाएगा। विष अमृत मेरे लिए? मैंनू कुछ समझ नहीं आ रहा पुत्र। तो क्या आपको सांपों ने नहीं काटा? ओ ना पुत्र। बिल्कुल सही कहा, माँ का सिर्फ बहाना था। एक और झूठ, मतलब उस विश्रव ने हमारे साथ कोई गेम खेला है, उसी की वजह से मैंने तुझे धोखा दिया, वरना वो माँ को मार डालता। और तरकी, मतलब उसकी सारी कहानियाँ झूठी है। अरे अरे संभल के पुत्र, पर इसकी एक बूंद भी अगर किसी गलत हाथों में लग गई ना, तो उसका नतीजा बहुत गलत हो जाएगा। डेंजर वाली गाल हो जानी है। हाँ, इस अमृत को सही आदमी के हवाले करो, अमृत के लिए ही तो मैंने सारा खेल रचाया था। इसे मैं पीकर अमर हो जाऊंगा। लाओ। अरे जाओ, कभी नहीं बोलू तुमको मेरी बहादुरी की कसम, इसको अमृत की एक बूंद भी छूने मत देना। ओए 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 अंकल, अरे बच्चों से क्या उलझता है, हिम्मत है तो मुझको सीधा कर, फिर मैं तुझको सीधा करूंगी। बेवकूफो, शायद तुमको पता नहीं है कि मैं धरती का सबसे महान जीवित इंसान कैसे बना। हर उल्टी बाजी को पलटना आता है मुझे। हरिओम हरिओम, मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। लंका के विनाश पे तुला हुआ है। आक्रमण! भाई, इस दरियन ने तो पूरी पलटन भेज दी है। चल निकल लेते हैं। मैं कब तक भागता रहूंगा? तुम माँ को लेकर सुरक्षित जगह जाओ, अब मैं हर डर का सीधा सामना करूंगा। बच्चे, तू तो बोलता था तू चूचू का मुरब्बा, लेकिन तू तो एक्शन हीरो निकला बेड़े। जा पुत्र जा। पुत्र की फंस गए भाई। भाई
अब हमें बस कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैं हूँ जंगल राज तक से पोपट शर्मा। सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही है सनसनी। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जंगल के सारे पशु पक्षी मारुति को बचाने के लिए राक्षसों का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। मारुति, मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? जी पापा। मेरे बच्चे, तेरी बहादुरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। आज सच में मुझे तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। तू सच में सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे दमदार। हनुमान की जय! हनुमान की जय! ब्रह्मांड पकड़ गए। शाबाश मारुति, बहुत सही बेटा। आप छोड़िए ना इसे। अरा सिपाहियों, मार दो उनके सबको। शाबाश, सुन, ये सब अपनी माँ को मत बताइयो घर जाके। उसके सामने ना मेरी भी पूंछ सरक जाती है, समझा क्या? चल मार पकड़ के। ले ओ मेरे लाल, ये क्या हो गया? अगर तूने अपनी माँ का कहना मान लिया होता तो ऐसे घायल तो ना होता तू। अरे पापा देखो, अरे मेरे भोले बच्चे, ये कमाल है ड्रिंक का, अमृत ड्रिंक का। अब तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे अमर। मेरा अमृत, मेरा रुको, आपका समय समाप्त होता है। एक सेकंड, अमृत दो और अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लो एंड रीड द फाइन प्रिंट। हमेशा का मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज, फॉरएवर। विष्णुदेव के सारे अवतारों के साथ रहना पड़ेगा। फंस गए ना? बच्चे ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं पापा, ये तो कहते ही रहते हैं। इंद्र जी, अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। करुण भाई, कैच। ब्रदर्स फॉरएवर। अरे तुम छोड़ो, मेरा रास्ता छोड़ो। सबसे महान जीवित इंसान, जोड़ों की उल्टी चार से हुआ परेशान। अमृत, ओ अमृत, मुझे दिखा पर पी नहीं पाया। आ,
फट्टे भाई क्या मजा आ रहा है मुझे, और ले आ कहीं से दो चार। सन्नाटे को चीरती हुई विटी बर्ड घायल हुई, कोई है? शी नीड्स हेल्प, हेल्प हेल्प प्लीज। अब क्या करें, हमारे पास तो अमृत भी नहीं है भाई। हाँ भाई, हम तो अमर होके भूल ही गए थे कि जिंदगी कितनी कीमती है, कितनी नाजुक है। I tried my level best to save him, पर मैं उसे बचा नहीं पाई। तुम किसकी बात कर रही हो जी? वो अपनी तरह का एक ही बंदा था, उसकी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। कौन है इसका जिम्मेदार? वही तो, इस सारे विनाश का जिम्मेदार है। प्लीज रुक जाइए, इस पे दया कीजिए। दया और इस पापी पे? क्या इसने की दया मेरे साथियों पे? दोनों को तो खो दिया है हमने हमेशा के लिए। मैंने भी तो इस युद्ध में अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, इनके सिवा मेरा कोई नहीं बचा है। इनके सिवा ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरे होने वाले बच्चे के पिता हैं। बाप? पर क्या तुम जानती हो इस पूरे विनाश का जिम्मेदार यही है? मैं सब कुछ जानती हूँ। प्लीज मारुति, क्या तुम चाहोगे कि मेरा बच्चा अपने पिता को खो दे? नहीं भाई, छोड़ दे इसे यार, मुझे पता है कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी लाइफ बड़ी टफ होती है। मैं अपनी करनी की हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और वचन देता हूँ कि आज के बाद कोई पाप और स्वार्थ भरा काम नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाती हूँ। दूर हो जाओ, मुझे अपना पापी चेहरा फिर कभी मत दिखाना। मैं वचन देता हूँ। धरती के इस किनारे पर भूल कर भी कभी अपने कदम नहीं रखना। दूर जाओ हमेशा के लिए। सुखलाई है तुम्हारी करुणा, तुम रक्षक काबू को डरना। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। बस मेरे बच्चे बस,
इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता। चल अब घर चले। भाई तेरी बड़ी याद आएगी यार। तुम जब भी दिल से याद करोगे मैं वही नजर आऊंगा जी। ये भाई का भाई से वादा है। ऐसा ना कहे अंजनी, यह तो मेरा फर्ज था। है? आप कहां से बीच में आ गए जी? मैं तो भगवान से बात कर रही थी। और इस तरह मैं अपनी फैमिली से वापस मिला। लंका वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी। वाह क्या हैप्पी एंडिंग थी। अरे एंडिंग कहां, पता चला ये तो बस शुरुआत थी। कैकसी, तुमने बच्चे का नाम सोचा है कुछ? हाँ, अगर लड़की हुई तो उसका नाम मीनाक्षी। और लड़का हुआ तो? अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रावण।